स्वर्गीय स्वतंत्रता सेनानी पंडित दुर्गादास की धर्मपत्नी राजरानी, जो कि अपनी सांसारिक यात्रा पूर्ण कर प्रभु चरणों में विलीन हो गई हैं, उनकी आत्मिक शांति हेतु रसम पगड़ी 120 फुटी रोड स्थित एक निजी पैलेस में संपन्न हुई। इस मौके पर पंडित विपिन शर्मा ने श्री गरुड़ पुराण जी के पाठ का भोग डालकर स्वर्गीय राजरानी की आत्मिक शांति हेतु प्रार्थना की। इस मौके पर श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर महंत गंगादास जी महाराज, श्री श्री 1008 महंत केशवदास जी, पूर्व विधायक सुशील रिंकू, वरिष्ठ भाजपा नेता मोहिंदर भगत, पूर्व सीनियर डिप्टी मेयर कमलजीत सिंह भाटिया, सनी अंगुराल, अनमोल ग्रोवर, योगेश मल्होत्रा, अमित चावला, कुणाल चड्डा, योगराज शर्मा, विमल कुमार, अमृतपाल सिंह भाटिया, भूपेंद्र खुल्लर सहित राजनीतिक, धार्मिक व सामाजिक वर्ग से जुड़े लोगों ने पहुंचकर स्वर्गीय राजरानी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। सरकार नहीं मातृस्वर नहीं मातृय शक्ति, बड़ा ही सुंदर विचार आप पंडित जी से सुन रहे थे। ये संसार जो है ये यहां पर हम सभी स्थिर रहने वाले नहीं है, आए हैं सो जाएंगे। राजा रंक फकीर कोई सिंहासन तय चले कोई बांधे जात जंजीर। महापुरुषों में बहुत अच्छी तरह से समझाया है कि नाल कुछ नहीं जाएगा, नाल सिर्फ प्रभु का नाम जाएगा। राजरानी जी जिन्होंने अज अस हरे श्रद्धा के फुल भेट करना आए हाँ, जाना तो हर इंसान ने है, बहुत ही प्रकार सच्चाई है, पर यह भी सच रहा है कि जो व्यक्ति अपने जहां तो बाद समाज में प्रफुल्लित फुलवाड़ी एक आदर्श फुलवाड़ी और जिथे आप समाज सेवक के तौर पर साढ़े माता जी विचरे उत्थे उन्होंने अपने बच्चों तेने बेटियां अगो पोते पोतरियां दिते। अपने बहुत ही सत्कारयोग माता श्रीमती राजरानी जी की अंतिम अरदास में शामिल होने आए हैं। एक गल ठीक है कि जो भी इंसान दुनिया से आया है अपनी जीवन यात्रा पूरी करके चले जाना है, असली दिन जाना है, पर इंसान जो जीवन जीता है उसके जाने बाद उन्होंने हमेशा उनके कामों को याद किया जाता है। ये परिवार जिसने देश की खातर अपना बलिदान दिया, साढ़े परम सत्कारयोग पंडित दुर्गादास जी स्वतंत्रता सेनानी, दुनिया के बहुत घट लोग ऐसे पैदा होंगे जिन्होंने ऐसा मौका मिलता है कि अपने देश की कोई कर सकन। 1008 श्री दुर्गादास जी ते संत केशवदास जी नाल पंडित विपिन जी, अज असी सारे ही इस दुख की घड़ी के इकट्ठे हुए हैं, जो कि साड़ी दादी जी, असी इन्हों दादी जी इस करके कहते सी कि जो इन्हों पोते सन वो साढ़े नाल पढ़ते रहे, इन्हों का सुभाव असी बड़ी नेड़ता ना देखिया कि बड़े ठंडे सुभाव के सन। बस असी यही कहांगे कि जो परिवार को घाटा पिया ये घाटा साढ़े किसी के भी कहना पूरा नहीं होना, असी इन्हों अरदास ही कर सकते हैं कि प्रभु अपने चरणों के इन्हों निवास स्थान दे, इन्हों का स्वर्गों के वास हो, क्योंकि जिदा इन्होंने देश की सेवा की है, जिदा इन्होंने समाज की सेवा की है, उदा ही परमात्मा इन्हों अपने चरणों च स्थान देवे। देश आजाद होने तो पहला का जोड़ा माहौल सी इस देश का और किस तरीके दे नाल साढ़े देश गुलामी दियां जंजीरां दे चकड़िया सी, वो जोड़ा माहौल है इन्होंने अपने पिंडे दे उत्ते हंडाया, और क्योंकि
आदरणीय सर्वप्रसिद्ध पंडित दुर्गादास जी जिन्ह का इस देश की आजादी दे विच एक बहुत अहम रोल रहा और उस समय दे जिहड़े साडे देश के महान नायक सी देश की आजादी दे विच जिहड़े अगे हो के अपना हिस्सा पा रहे सी उस समय दे महात्मा गांधी जी पंडित जवाहर लाल नहरू जी जैसिया बड़िया शख्सियत जड़िया वो पंडित दुर्गादास जी उन्होंने मोढ़े के नाल मोढ़ा रला के काम करते रहे।